अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिजरे अस्वद की तंसीब। हिजरे अस्वद किसे कहते हैं, ये कहाँ होता है, आइए आज हम पढ़ते हैं। ओपन योर बुक पेज नंबर 24। मेरे साथ साथ पढ़िएगा प्यारे बच्चों। हिजरे अस्वद की तंसीब। हिजरे अस्वद स्याह रंग का एक मुकद्दस पत्थर है। हिजरे अस्वद किसे कहते हैं, हिजरे अस्वद एक ब्लैक कलर का बहुत ही मुकद्दस पत्थर है जो खाना काबा की दीवार में नस्ब है, यानी कि इसको खाना काबा की दीवार में फिक्स किया हुआ है। ऐलान इस्लाम से पहले खाना काबा की नई तामीर की ज़रूरत पेश आई, यानी कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नाजिल की गई थी तो उस वक्त ऐलान इस्लाम से पहले जो है ये खाना काबा की बिल्डिंग को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पेश आई थी। उस वक्त हर कबीले का सरदार ये चाहता था कि हिजरे अस्वद को इसके असल मुकाम पर रखने की सआदत वो हासिल करे, यानी कि जितने भी कबाइल थे, जितने भी कबीले थे, हर कबीले का सरदार ये कोशिश कर रहा था कि हिजरे अस्वद को खाना काबा की दीवार में फ़िक्स करने की जो सआदत है वो उसे हासिल हो, यानी कि वो चाहते थे कि हम ये काम करें। ठीक है, इस बात पर नौबत झगड़े और लड़ाई तक पहुंच गई, यानी कि लोगों में फिर आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया कि कोई कहता था कि ये पत्थर मैं खाना काबा में लगाऊंगा, दूसरा कहता था कि मैं लगाऊंगा, तीसरा सरदार कहता था कि मैं लगाऊंगा, तो उनमें कोई भी मुत्तफिक राय नहीं हो पा रही थी। तो नौबत यहाँ पर आ गई कि लड़ाई और झगड़े होना शुरू हो गए। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। मसला हल करने के लिए ये तय पाया गया कि अगले दिन जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हो उसका फ़ैसला मान लिया जाएगा। तो क्या फ़ैसला किया गया कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए इस मसले का हल निकाला गया, और ये फ़ैसला हुआ कि अगले दिन यानी कि कल के दिन जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होगा उसका फ़ैसला मान लिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि कौन शख्स जो है वो सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हुआ और किसका फ़ैसला माना गया। अल्लाह ताला की कुदरत के दूसरे दिन सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सब पुकार उठे, सादिक और अमीन आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लकब से जाना जाता था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये मसला किस तरह हल किया जाए। अब क्या तय पाया था, हिजरे असद की तंसीब के हवाले से ये तय पाया था कि लड़ाई झगड़ा भी ना हो और जो शख्स मस्जिद हराम में कल को सबसे पहले दाखिल होगा उसका फ़ैसला मान लिया जाएगा। तो कौन सबसे पहले दाखिल हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला की कुदरत से सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सब ने क्या कहा कि सादिक और अमीन आ गए। उन्होंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए। आइए आगे पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक चादर ज़मीन पर बिछा दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद को उठाकर इस चादर पर रख दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कबीलों के सरदारों से फरमाया कि वो चादर के कोनों को पकड़कर हिजरे अस्वद इस मुकाम तक ले आएं जहां उसे लगाना था। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अकलमंदी से, समझदारी से ये फ़ैसला किया कि एक चादर, बोला कि एक चादर ज़मीन पर रख दो। वो चादर ज़मीन पर बिछा दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद का जो मुकद्दस पत्थर था वो उस चादर पर रख दिया और सब सरदारों को कहा कि ये चादर एक एक कोने से आप पकड़ लो ताकि किसी का लड़ाई झगड़ा भी ना हो और किसी का दिल भी मायूस ना हो। जब चादर उस मकाम तक आ गई तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर से हिजरे अस्वद उठाकर अपने मुबारक हाथों से इसकी असल जगह पर लगा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फ़ैसले से तमाम कबीले राज़ी और खुश हो गए और लड़ाई का ख़तरा टल गया।
तो प्यारे बच्चों, देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने इंसाफ पसंद और समझदार थे कि उन्होंने क्या किया कि एक चादर पर हिजरे अस्वद के पत्थर को रख दिया और फरमाया कि तमाम कबीलों के सरदार जो हैं वो इस चादर को एक एक कोने से पकड़ लें और उस मकाम तक ले जाएं जहां पे उस हिजरे अस्वद को लगाना था खाना काबा की दीवार में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब सब उसको उस मकाम पर ले गए तो आपने वो चादर से पत्थर उठाकर अपने मुबारक हाथों से उस जगह पर लगा दिया। तो प्यारे बच्चों, आपका होमवर्क ये है कि हिजरे अस्वद की तंसीब जो ये टॉपिक है इसकी अच्छी तरह से रीडिंग कीजिएगा और मैं आपको दो सवाल बताती हूँ, उनके जवाब आपको ओरल याद करने हैं। हिजरे अस्वद कहाँ नस्ब है? इसका जवाब है हिजरे अस्वद खाना काबा की दीवार में नस्ब है। सवाल गौर से सुनिए, हिजरे अस्वद कहाँ नस्ब है? इसका जवाब है हिजरे अस्वद खाना काबा की दीवार में नस्ब है। दूसरा आपका सवाल है, हिजरे अस्वद किसने अपने मुबारक हाथों से उसकी जगह पर लगाया? इसका जवाब है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद अपने मुबारक हाथों से उसकी असल जगह पर लगाया। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।